नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति, जाप शेट्टी ने दी चेतावनी। डॉक्टर मोहम्मद एजाज ने मोहम्मद एजाज अहमद की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। अमित शाह की भविष्यवाणी, रायबरेली में हारेंगे राहुल गांधी। हसन यौन शोषण, प्रज्वल के पिता अजय रेवन्ना ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली। हसन यौन शोषण विवाद, नई शिकायत के बाद प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार का आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कांग्रेस जिला समिति के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने चेतावनी दी है कि पार्टी से संबंधित नहीं रहने वाले लोग बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। पार्टी से निकाले गए लोगों ने कहा कि पार्टी के नाम पर कार्यक्रम करना ठीक नहीं है। पूर्व विधायक अशोक खेनी की अनुमति के बिना न तो पार्टी नेता और न ही कार्यकर्ता कोई बैठक या समारोह आयोजित कर सकते हैं। कहा गया है कि जो लोग पार्टी से जुड़े नहीं हैं, वे कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते। जो लोग पार्टी से संबंधित नहीं हैं, उन्हें पार्टी के नाम पर गतिविधियां नहीं चलानी चाहिए। पार्टी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पाए जाने पर केपीसीसी ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता एवं केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान ने मोहम्मद एजाज अहमद की शादी के रिसेप्शन में पहुंचकर उन्हें शादी की मुबारकबाद दी। शहर के राबिया फंक्शन हॉल में रिसेप्शन में पहुंचने पर डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान का स्वागत मौलाना असीम खान ने किया। इस मौके पर केपी न्यूज के सह संपादक समीर खान, नूर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद इनायत और ताज पटेल सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रसाद सिंह से भारी अंतर से चुनाव हार जाएंगे। शाह शुक्रवार को शहर में चिकोड़ी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार
अन्ना साहिब जोले के लिए प्रचार करने के लिए विजय संकल्प समावेश को संबोधित कर रहे थे। शाह ने टिप्पणी की है कि पूर्व AICC अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च किया है, लेकिन हमेशा असफल रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि राहुल को 21वीं बार लॉन्च करने के लिए उनका नामांकन रायबरेली से दाखिल किया गया है, लेकिन यह लॉन्च भी विफल हो जाएगा और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। शाह के मुताबिक राहुल एंड कंपनी देश को सुरक्षित और एकजुट नहीं रख सकती, जैसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले UPA शासन के दौरान देखा गया था। शाह ने दावा किया, बम विस्फोट और आतंकवादी गतिविधियां आम बात हो गई हैं। कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए चुप रही। पूर्व मंत्री और JDS नेता HD रेवन्ना ने शुक्रवार को MP MLA अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली। ऐसा तब हुआ जब विशेष जांच दल SIT ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का कोई अपराध नहीं लगाया गया है और कहा गया कि FIR में लगाए गए सभी अपराध जमानती हैं। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक BN जगदीश ने प्रस्तुत किया कि चूंकि इस मामले में कथित अपराध होला नरसिंहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए जमानती प्रकृति की है, इसीलिए अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस दलील को दर्ज करते हुए पीठासीन अधिकारी ने रेवन्ना की याचिका को वापस ले लिया। कथित हसन यौन शोषण विवाद में फंसे JDS के निवर्तमान सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाने के बावजूद उनके खिलाफ बलात्कार के नए आरोप लगाए गए हैं। प्रज्वल और उनके पिता होले नरसिंहपुर विधायक HD रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही SIT ने बुधवार को एक दूसरी पीड़िता की शिकायत दर्ज कराने के बाद सांसद के खिलाफ IPC की धारा 376 बलात्कार के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया। सूत्रों ने कहा है कि पीड़ित ने प्रज्वल पर उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के बागलकोट में लोकसभा चुनाव प्रचार का माहौल उस समय गर्म हो गया जब सबसे पुरानी पार्टी की 31 वर्षीय महिला लॉ ग्रेजुएट सीधे पांचवे कार्यकाल के लिए भाजपा सांसद से मुकाबला कर रही है। कांग्रेस सरकार में कृषि उपज और चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल ने 2004 से निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे 72 वर्षीय PC
गद्दी गौदर के साथ विवाद कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता से मिली एकमात्र सलाह यह है कि जमीन से जुड़े रहे और जिस जनता का वह प्रतिनिधित्व कर रही है उनके सर्वोत्तम हित में उनके साथ काम करें। संयुक्ता जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ खड़े होने से निडर है। उन्होंने कहा है कि उनके एजेंडे में अन्य चीजों के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र का समग्र विकास, नए उद्योग लाना, पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से लंबित बागलकोट युदाची रेलवे लाइन को जल्द से जल्द पूरा करना है। बेलगावी से कांग्रेस उम्मीदवार मृणाल हेबालकर, जो मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के पुत्र भी हैं, मृणाल हेबालकर के समर्थन और प्रचार के लिए कैंप एरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा ने भाग लेकर मृणाल हेबालकर के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर नेता सदीक सुहेल ने भी बात की। इस कार्यक्रम में शहर के उलमा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटका में 6 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव जो मौजूदा सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हो जाएंगे 3 जून को होंगे और वोटों की गिनती 6 जून को होगी। यह चुनाव 3 स्नातक और 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है। ईसीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट से डॉक्टर चंद्रशेखर बी पाटिल, कर्नाटका साउथ वेस्ट ग्रेजुएट से आनूर मंजुनाथ, बैंगलोर ग्रेजुएट से ए देवेगौड़ा, कर्नाटका साउथ ईस्ट टीचर्स से डॉक्टर वाई ए नारायण स्वामी, एस एल भोजे चुने गए। कर्नाटका साउथ वेस्ट टीचर्स के गौड़ा और कर्नाटका साउथ टीचर्स के मैरिथिब्बे गौड़ा 21 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अधिसूचना 9 मई को जारी की जाएगी। नामांकन करने की आखिरी दिन 16 मई है और उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख 20 मई है। मतदान 3 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 6 जून को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा लाने की भाजपा की योजना को एक साजिश करार दिया है और कहा कि ऐसी व्यवस्था लागू होने से प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास है कि उनकी पार्टी को अधिकतम वोट मिलेंगे। मोहली ने कहा कि चुनाव सिद्धांत के अनुसार योजना लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों, स्थानीय निकायों आदि के चुनाव एक साथ कराने की थी। हालांकि अकेले लोकसभा के लिए चल रहे चुनाव को पूरा करने के लिए कम से कम 60 दिनों की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव भाजपा की एक राष्ट्र एक चुनाव धारणा के अनुसार होता है तो चुनाव पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए है यह योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि वह 400 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन हकीकत में उसे 150 से 200 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी का 10 साल का शासन खत्म हो जाएगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति, जाप शेट्टी ने दी चेतावनी। डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने मोहम्मद एजाज अहमद की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। अमित शाह की भविष्यवाणी, रायबरेली में हारेंगे राहुल गांधी। हसन यौन शोषण, प्रज्वल के पिता अजय देवन्ना ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली। हसन यौन शोषण विवाद, नई शिकायत के बाद प्रज्वल देवन्ना पर बलात्कार का आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।